Gospel. Oh, yeah, wait, get it. Get it, go. Yes, we did it, Papa. लहसुन अदरक टमाटर वगैरह हर चीज हमारी जो है वो रेडी है। बस ऐसे ही करेगा, ये प्याज आ गया, ये चिकन आ गया, ये लहसुन आ गया, अदरक कम कर आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जी तो उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अस्सलाम वालेकुम बट साहेब, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन सी मॉर्निंग, टाइम देखो, जुमे का टाइम निकल रहा, जल्दी भागो। जा रहा हूँ, अभी 15-20 मिनट हैं। आप क्यों काम शाम कर रहे हैं आज? खैर वो ना अवैस कपड़े गर्मियों में रख रहे, सर्दियों में निकाल रहे। लो जी, बट्टों की सर्दियाँ आ भी गई हैं, हद नहीं हो गई। वैसे अभी कौन सी सर्दी आ गई है मम्मा? नहीं सर्दी नहीं है, वो कह रहा मम्मा मैं सबके निकाल के एक दिन में सबकी कैबिनेट सेट कर लेगा ना वो। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं अवैस को अपनी अम्मा बना लूं। हर चीज की टेंशन उसी को है, सिर्फ इनको सिर्फ खाने की टेंशन है, बस और कोई टेंशन नहीं इनको। जुमे का दिन है जी, मैं आज टाइम पे ही जुमा पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने दुआएं करनी है, बहुत ही जरूरी दुआएं हैं। कल इंडिया और पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप का मैच है, आमने सामने कल इंडिया और पाकिस्तान होने जा रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता मेरे ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के सांस नीचे रहते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है खास तौर पर। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग साइड हमारी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारे बाबर भाई थोड़े से डल है, लेकिन कोई बात नहीं यार, उनका जब दिल करेगा वो खेलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ, खास तौर पर जो दुआ करनी है ना अम्मा जी, आपने भी नमाज पढ़ के और मैंने भी, और जितने लोग जुमा पढ़ने आए होंगे, मैंने सबसे कहना है कि सब दुआ करो हमारी बॉलिंग साइड कल चल जाए, हमारी बॉलिंग साइड को अल्लाह की कसम नजर लग गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, लेकिन हमारी बॉलिंग साइड को नजर लगी। क्यों सलमान साहब, ऐसे है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही, शाहीन आउट ऑफ फॉर्म है, शाहीन आउट ऑफ फॉर्म है, हारिस भाई भी, मतलब बॉलिंग सारे अच्छे कर रहे हैं उसी। हाँ जी, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना तो हमारे सारे बॉलर फॉर्म में आ जाते हैं, टेंशन ना लो, सब फॉर्म में आ जाएंगे। बॉलिंग की स्पीड वही है, एक तो नसीम है नहीं है, शहजादा हमारा है नहीं है, ठीक है, वो इंजर्ड है ना उसकी, हाँ काफी तबीयत खराब है उसकी, तो अल्लाह पाक उसको सही तंदुरुस्ती दे। हमारी बॉलिंग की स्पीड वही है, लेकिन पता नहीं क्या है कि वो हमारी बॉलिंग के ट्रिक को देख रहे हैं, विकेट नहीं गिर रही। तो जुमा पढ़ने जाना है आज, मैंने टाइम पे ही चले जाना है वरना मैं सबसे लेट जाता होता हूँ। आज टाइम पे जाना है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच की दुआ करनी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह मौला फतह कामयाबी देंगे हमारे मुल्क को, आप टेंशन ना लो। अच्छा, जुमे के बाद आपकी क्या मसरूफियत है? जुमे के बाद मेरी मसरूफियत है, आज डॉक्टर साद आफ्ताब डेंटिस्ट, जहाँ पर आपको लेके जाता हूँ, इनका क्लिनिक है, उनके साथ आज मेरा अपॉइंटमेंट है। किस चीज का? भाई जान, दांत चिट्टे चिट्टे करा रहा हूँ, हल्के हल्के जरा डबल टोन हुए हैं ना, सब यस करवा रहा हूँ मैं, जरा स्माइल करता हूँ ना तो मुझे कमेंट आते हैं बहुत प्यारा स्माइल करते हैं, तो मैं उसको मजीद खूबसूरत बनाने जा रहा हूँ। मुझे पता है इसके पीछे क्या है। क्या पीछे? इसके पीछे दुबारा जबड़ा जी नहीं, आप लड़की देखने जो रहे हो। अल्लाह की कसम, हर चीज अब उसी से। अगर तुझे कुछ लफ्ज़ बोला ना गलत, मैं तुम्हें मारूंगी जबरी। क्या मम्मा जी, मेरे ये यहाँ पर ना डबल टोन दांत हो रहा है, हल्के हल्के से पीले हो रहे हैं, क्योंकि कभी करवाई नहीं ना स्केलिंग ना वाइटनिंग, तो मैं उसको यस करवाने जा रहा हूँ। इसका अब लड़की से क्या लेना देना है, मैंने लड़की को ऐसे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम। खुश होने पर भी खुश होगा मम्मा जी, मैं देखने जा रहा हूँ, जा रहा, आप टेंशन ना करो। अभी तो मेरा प्लान ही नहीं है, मैंने तो उधार का मोबाइल पकड़ा हुआ है, कहाँ से जा रहा हूँ? मोबाइल भी आ जाएगा बेटे, कह रहा मम्मा मैं जा रहा हूँ देखने। अच्छा मम्मा जी, मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ के जल्दी वापस आ, तेरे और तेरे बाप से काम है आज मुझे। कोई चक्कर नहीं है, मैं तुझे बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों हो गया? हाँ जी, मस्जिद में डालने के लिए। थैंक यू, मैं भूल गया था, थैंक यू। कैसे जाओ? वो जमात खड़ी हो गई भाई, जमात खड़ी हो गई। ओए होए होए होए, पाकिस्तानियों बहुत दुआएं मांग ली हैं कल के मैच के लिए। दुआएं मांगी हैं, मुझे भी तो बताओ। भाईजान यही दुआ मांगी है, या अल्लाह पाक हमसे हमारी ये खुशी मत छीनना। हम मानते हैं इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, हमारी टीम भी स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम अगर थोड़ा सा डरे हुए हैं तो वो सिर्फ अपनी बॉलिंग साइड की वजह से डरे हुए हैं, क्योंकि वो इस टाइम आउट ऑफ फॉर्म है। तो अल्लाह करे कल हम जीत जाएं, मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं। अगर कल जीते तो याद रखना मेरी दुआओं की वजह से जीतेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये क्या कट रहा है जी? सुबह करीरे अच्छे मिल गए थे, मैंने कहा बना के ना फ्रीज कर लेती हूँ आज के लिए, तो है ना। बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा मुझे मेरी बात सुनो, आज आप दोनों बाप बेटे से मुझे एक काम है। क्या काम है बताओ? हाँ जी बताओ, क्या अल्लाह खैर करे, खैर वाला काम है? हाँ खैर, कोई मुश्किल नहीं है। प्लीज आज आप पालक गोश्त खूब जरा तैयार कर लो। हाँ जी, पालक गोश्त आगे जुम्मा, मैंने आवाज नहीं आ रही, इतना स्लो बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मैंने कहा आप पालक गोश्त आज आप दोनों बाप बेटा मिलके बना लो, मैं भी जुम्मे के। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है, आपको कितने होशियार हो आप? आपको आवाज आ रही है?
मुझे आवाज आ रही है यार पापा यार क्या आप अल्लाह की कसम माशाल्लाह क्या नजर ना लगा देना मुझे नहीं आवाज आ रही। पालक गोश्त हमें क्या पता पालक गोश्त कैसे बनाते हैं आपको आती पालक गोश्त बनानी पड़ता यार पापा आप क्यों इतने अच्छा तुम रजब अली कितनी बुरी बात है मैंने भी जुमे के माल करने हैं मैंने नहाना है अभी जाना है मम्मा सिर्फ एक काम आपके दिन में होता है खाना पकाना वो भी आप कह रहे हो कि आज आप कर लो आज मैंने अवैस को कैबिन साफ करने पे लगाया इसलिए मैंने सारा किचन का खुद किया है और जुमा मैंने गुस्सा करके मैंने माल करने है यार मैंने डेंटिस्ट के पास जाना है मैं कहां से पालक गोश्त बनाता हूं मम्मा जी पापा तेरे साथ प्लीज मेरा जानी दिल भर हद हो गई है यार पालक गोश्त यार आप बना लेंगे हम बाकी सच बात चिकन का बनाना है कि मटन का कि बीफ का चिकन का चलो कोशिश करके देख लेते हैं वैसे भी हमने जाना है डेंटिस्ट के पास 4:15 के करीब और अभी हो रहे हैं 2:15 तो हम आज पालक गोश्त बना देते हैं क्या याद करेगी यार ये औरत भी क्या याद करेगी इसको प्राइम मिनिस्टर के फोन आते हैं इमरान खान से मैंने बात की उसकी सलामती मांगी सुबह से आपका मोबाइल नजर आया खैर आज कोई फोन नहीं लिया ओके जी तो बट हाउस के आज के दिन के लिए शेफ हैं मैं और मेरे बाबा और ये औरत एज ऑलवेज आराम और सुकून ही करेगी पालक गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए गोश्त जो कि ये आ गया साफ हो गया हुआ है ये आ गई जी पालक हमारी बॉइल्ड हुई हुई और ये बाबा आ गए प्याज काटते हुए लहसुन अदरक टमाटर वगैरह हर चीज हमारी जो है वो रेडी है तू बस ऐसे ही करेगा ये प्याज आ गया ये चिकन आ गया ये लहसुन है अदरक हम कर आगे यार आ रहे हम गुस्सा क्यों कर रहे हो अभी तो हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है और आपने रोला डालना स्टार्ट कर दिया डालना शुरू कर दिया बस लेंगे फिल्म बनाई जा रहे थे ऐ करते ऐ करते चलो बताओ क्या काम करूं ये काट दूं ये देखो काट गया ये लो काट गया ये पकड़ो चलो कि ये चीन लेते हैं यार कोई बात नहीं पापा जी ये क्या चक्कर है यार बीबी वहां बैठी हुई आराम कर रही है मैच देख रही है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं देखी है तुम भी ऐसा ही करी मुझे भी अपनी जैसा बनाना है कोई बात नहीं पापा ये तो उतना नहीं रहा इसके लिए मेरा ख्याल है वो माइक्रोस्कोप मंगाना पड़ेगा उतना नहीं आ रहा माइक्रोस्कोप क्या बात थोड़ा सा बस शांत उतर जाएगा ओके जी तो यहाँ पे हमने चिकन के अंदर लहसुन अदरक टमाटर प्याज ये सारा कुछ डाल दिया है और ये आ गए इसके मसाले ये है जी खड़ा मसाला ये है बैठा मसाला ना ये क्या है ये आ गया खड़ा मसाला ये आ गई डड़ा मिर्च ये आ गया नमक और ये आ गई कश्मीरी मिर्च अब इस सब चीजों के अंदर हम ये भी सीट देंगे फेंक दूं पापा जी इजाजत है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गुड़च ओके करना कुछ नहीं करी यार देखो काम ही कर रहा हूँ और पापा जी मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ पार्टनरशिप जो आना बड़ी मुश्किल पड़ रही है मुझे कोऑपरेट करके चले प्लीज ठीक है ये सारा कुछ मिक्स कर दिया हमने अगला स्टेप भी बताता हूँ आपको आए 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 पापा जी आप कुवैत में शेफ तो नहीं थे हैं सही बताओ अच्छा जी यहाँ पे अब हम पालक को करने लगे हैं ग्राइंड पालक नहीं पालक को ग्राइंड कर रहे हैं आए 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 अभी ये भी करनी है वाह पापा यार लाओ मैं कर देता हूँ क्या हो गया यार तू वीडियो बना मैं नहीं जोड़ना अच्छा जी तो अभी अपडेट ये है कि जो हमने चिकन के अंदर मसाले वगैरह डाल के सारा मिक्स किया है वो यहाँ पर आ गया चूल्हे के ऊपर उसको भून रहे हैं अब पापा कर रहे हैं पालक को ग्राइंड ये लास्ट चक्कर है जैसे ही पालक ग्राइंड हो जाएगी तो भुने हुए चिकन को यहाँ से निकाल लेंगे इसी मसाले के अंदर पालक को डाल के क्या करेंगे मामा उसको हाँ उसको अच्छे से भून लेंगे अच्छे से भूनने के बाद उसके अंदर डालेंगे एक गिलास दूध को तब तक अंदर घुमाते रहेंगे जब तक वो ड्राई ना हो जाए जब वो ड्राई हो जाएगा फिर उसमें डालेंगे मलाई के बाद डालेंगे जो हमने गोश्त पहले से भून के रखा होगा फिर जाके हमारी पालक और गोश्त तैयार होगी एवं ही नहीं पालक गोश्त को शाही खाना कहते अच्छा खासा टाइम लगता है इसके अंदर अच्छा जी ये हमारी जो पालक है ये भुननी स्टार्ट हो चुकी है अब ये आ गया जी हमारा एक कप दूध का ये गया दूध ठीक है अब आती है बारी मलाई की तो मलाई आपको याद होगा परसों हम मेट्रो से लेके आए थे ये डालते हैं पापा जी आप क्या कर रहे हो मलाई पालने और यार ये मलाई नहीं है पापा जी ये मलाई है क्या है ये क्रीम है भाई और एक ही बात होती है मलाई क्रीम अच्छा ये क्या ये तो कल तक नहीं खुरनी जितनी ये लकड़ पत्थर हुई है पापा ये क्रीम है कि मलाई है सही बताओ ये क्या है ये क्रीम है क्रीम लिखा तो हुआ लेकिन क्रीम भी तो मलाई होती है लो जी पापा ने क्या सुननी है मेरी डाल दी इन्होंने ये जमी हुई मलाई डाल दी है जी हमने आपके घर पे अगर जमी हुई ना हो तो डाल लीजिएगा जमी हुई ना डालिएगा इसका टेस्ट नहीं बनना पापा ने खैर अब डाल दिया हाँ कैसी है पालक खाने लायक है अभी नहीं रंग रूप है कि नहीं कुछ चेक करके बताओ चिकन कब डाला है इसमें चिकन डाल गया बीच में
चिकन डाल दिया मशरूम में, गए थे मैंने डाल दिए चिकन। पापा के लिए व्लॉगिंग जो है ना वो मजाक है, चिकन एक मेन सब्जेक्ट था बीच में, मैं वॉशरूम गया उन्होंने पीछे चिकन डाल दिया, आपे बनाता रहेगा व्लॉग व्लॉग डाल गया। चिकन चेक करो अब क्या सूरत हाल है, चिकन का रंग सही है, ब्राउन है पापा ने सही किया। चलो ठीक है, अब कितनी देर और लगेगी? अभी इसको कम से कम 15-20 मिनट हल्की आंच पे रखें, जो मलाई आपने डाली ना एंड पे हाँ। वो उसमें मेल्ट होगी, फिर उसमें चिकनाई आएगी, बस फिर खत्म। आप छोड़ दो इतने शाने ना बनो, पूरा एक घंटा लगा के हमने, मैंने और बाबा ने बनाई है, आके आपने डोरी पकड़ ली है। बैठो बैठो कमीरी रोटियां मंगवाते हैं, फिर निकल आया यार डेंटिस्ट के पास जाना, जल्दी करो। बस ये 15 मिनट का काम है। ओके क्या हुआ? आखिरी पेज आ गया, अपनी दिमाग खराब, मेरा दिमाग घूम लिया मेरा। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए, 8 आयतों के पढ़ने का तरीका, ये मैं पढ़ती हूँ जोर में, ठीक है? इसके 3 पेज है, ये देख पा रही क्या क्या कहाँ कहाँ। अच्छा मतलब आगे पीछे हो गई तस्वीरें, समझ ही नहीं मुझे आ रही क्या दिया। हाँ मुझे सही करके दो सारा वाला तोड़ कर दिया, तस्वीरें आगे पीछे हो गई हैं ना, तो ऐसे को आवे 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 करी जा रहे हो। मुझे गुस्सा इस बात मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, लाओ ना। चलो जी डन। चलो जी पालक और गोश्त रेडी हो चुका है, जो कि सारा का सारा मैंने बनाया है, बाबा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया बाबा ने। मामा जी रोटियां मंगवा दूं शादी के, खमीरी खमीरी रोटियां, वैसे भाई की आले बड़ा खत शत कराया, खमीरी रोटियां ले आओ, कितनी मंगवानी है? 20 बहुत है, 9 खमीरी रोटियां ले आओ, बाकी जाओ पैसे फड़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, रोटियां आ गई हैं, दस्तरखान लग गया, आ जाओ मामा जी आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आए आए आए, क्या पालक बनाई है मैंने, पापा जी शक्ल चेक करो क्या है ना। हाँ जी एक बाइट लगा के बताएं जरा कैसी बनाई है मैंने पालक और गोश्त। बिस्मिल्लाह, पापा ने तो खा भी लिया, नाज़े हुसैन अल्लाहुम्म सल्लल्लाह। हाँ जी जबरदस्त बनी है कि नहीं बनी, सही बनी है? सही बनाई है ना मैंने, तो वीडियो फिल्म दोस्तों आ कुछ नहीं कीता यार, पहले बाइट अंदर कर लो फिर बोल लेना क्या कह रहे हो। वीडियो फिल्म दोस्तों आ कुछ कीता नहीं मैंने, के बड़ी अच्छी बनाई है पालक। गुस्सा ना किया करो यार, आपने बनाई मैंने बनाई एक ही बात है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पापा जी पालक जो है ना जूसी जूसी नहीं है, छोरिया नहीं बनाता मैं। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पापा जी फैंटास्टिक, मजा आ गया। आप दोनों बाबेट का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ पालक खा के, बड़ी मजा। पालक खा के आपका दिल खुश नहीं हुआ, आपका रेस्ट करके दिल खुश हुआ। इतनी रेस्ट नहीं मैंने की है। आप क्यों थैंक यू कर रहे हो, आपने बनाई है थैंक यू करी जा रहे हो। चलो ओके कह दो। ओके क्या? ओके। अच्छा जी अब मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास, 4 बजे का टाइम था, 5 बजे निकल गया। अभी पहले दांत साफ कर ली, पालक लगी होती दांतों। वाह यार मम्मा क्या बात की है, वापिस साइडों में फंसी ना हो यार, बैड इंप्रेशन पड़ेगा, दांत साफ कर लेते हैं। ओके मम्मा जी मैं आया थोड़ी देर में। बिस्मिल्लाह। यकीन करो भाई ये दो मोबाइलों वाला बड़ा स्यापा, हर बार घर भूल जाता हूँ इसको मैं। चलो जी सर क्या हाल है? ठीक है बट सर ऑल गुड। अच्छा ये हल्के हल्के से ना डबल टोन हुए हैं, क्या सोल्यूशन है इसका? बट सर इसकी तो हमने स्केलिंग की थी लास्ट टाइम जी, लेकिन इतना कुछ फर्क नहीं आया, तो आज हम करेंगे टीथ वाइटनिंग। वाइटनिंग यस। कितनी जगह काम है? बट सर ये 15-20 मिनट। चले बिस्मिल्लाह। A few moments later. ओए हो क्या? ऐसे कह रहा हूँ 25 मिनट पूरा मुंह को ऐसे खोल के रखना, तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, होती मुलाकात इंशाल्लाह दोबारा, टेक केयर। ओए होए 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 होए, बड़ा मुश्किल काम है भाई, 25-30 मिनट आपने कॉन्टीन्यूसली मुंह इतना बड़ा खोल के रखना है, और ज़बरदस्ती आपका मुंह खुला हुआ है क्योंकि वो अंदर एक स्टेपर सा उन्होंने डाला हुआ है, आपका मुंह बंद हो ही नहीं सकता। ओए होए, लेकिन ये है कि जरूरी है भाई। बिस्मिल्लाह। हाँ जी कितना छोटे मोटे लोग दिखाओ दांत, ये देखो कैसे चम चम कर रहे, नहीं
शोखिया ना मार। शोखिया क्यों ना मार, आप करके दिखाओ। नहीं कर सकते ना, इसलिए तो शोखिया मार रहा है ना। आपने कल का नया हुआ लिया, शोखिया मारो ना। मैंने दांत नए करवाए हैं। बोल मेरे बोल मैं बोल बोल कह रहा हूँ, ठीक है। अब एक और कह रहे हैं, एक और राउंड अभी होना है आफ्टर वन वीक। फिर उसके बाद उसको मैं कह के आया हूँ कि आपके दांतों का भी कोई हिसाब किताब लगाए, फिर आपके भी दांत लगवाने इंशाल्लाह। क्या होना है, तूने हंसना तुम्हारी आंखों में रोशनी पड़नी। मैं बोलूंगा मामा ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया है ना। चलो जी व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। पालक गोश्त आपके भाई ने क्या कमाल ही मजेदार पालक गोश्त बना दिया है ना। तूने नहीं बनाई, पप्पा ने बनाई। भाई यार मतलब टीम वर्क होता है मामा जी, टीम वर्क, दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। बहुत ही मजे की पालक गोश्त आपके भाई ने बनाई थी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, मेरे दांत कैसे लग रहे हैं, जरा 4-5 कमेंट्स मेरे दांतों की तारीफ में आज कह दिए जाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।